you in my tutorial student partners. Today we are going to learn about mirror. In my previous videos, we have learned what is light, the reflection of light, law of reflection, luminous and non-luminous, and the types of reflection. This is my second part of light. In this part, we will discuss about mirror. Then, एक नजर हम डालते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या प्रेजेंट हो। इस वीडियो में सबसे पहले प्रेजेंट होगा मिरर और ये मिरर्स के टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के टू टाइप पढ़ेंगे हम डिटेल में, जिनमें से एक आता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। उसके बाद कनकेव और कन्वेक्स के यूजेस पढ़ेंगे, कनकेव का क्या यूज है और कन्वेक्स का क्या यूज है। इसके बाद प्लेन मिरर के भी हम लोग करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर के क्या क्या करेक्टर है, इमेज फॉर्म होते हैं वो किस तरह का होता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ये स्फेरिकल मिरर, ये हमें डिटेल में पढ़ना, तो इतना इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिरर क्या। मिरर हम अपने रेगुलर डेली लाइफ में एवरी डे जो घर में यूज करते हैं, जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, वो मिरर। मिरर वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके, जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होके किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना लेता, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना लेता। ऐसे तो मिरर मीन्स रिफ्लेक्शन, यानी वो सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन होता है मिरर का रहा है। तो यहां पर एक मेरे पास इस तरह का प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और इस लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण आपको एक इमेज दिखाई दे रहा हो, यहां पर एक इमेज फॉर्म हो रहा है और ये इमेज आपको दिखाई दे रहा। तो ये मेरा एक मिरर कहला। ये कुछ फिगर है, इनको देखिए। ये हम डेली लाइफ में अपने घर में यूज करते हैं, ये वही मिरर है, हिंदी में से दर्पण भी कहते हैं। और ये एक तरह का प्लेन मिरर है। इसके बाद भी मिरर है, तो चलिए हम देखते हैं मिरर के टाइप्स। मिरर टू टाइप्स के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर ये जो टू टाइप्स के होते हैं, ये दोनों टाइप्स के मिरर कौन कौन से? बहुत सारे बच्चे बोलते थे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। नहीं, वो टू टाइप्स के मिरर नहीं है। मिरर टू टाइप्स के है, वो है प्लेन मिरर। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये गोल होता है, स्फेयर होता है, एक स्फेयर से बनाया जाता है स्फेरिकल मिरर। ये किस तरह का होता है इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, ये स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स। ये टू टाइप्स के मिरर होते हैं। इनके बारे में हमें अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। तो इसके बारे में डरना नहीं कि ये कहाँ होता है, अभी तक तो देखे नहीं। ये प्लेन मिरर हम लोग डेली लाइफ में अपने घर में यूज करते हैं, कनकेव मिरर भी बहुत को यूज करता है, कन्वेक्स मिरर भी घर में ही मिल जाए। तो ये सब हम जब डिटेल में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है
उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। तो ये तो मिरर के टाइप्स थे। मिरर देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। कभी भी पूछा जाएगा दो तरह के मिरर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आते कि हम नहीं टाइप्स ऑफ मिरर बोलते थ्री टाइप्स के लगा दें, कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। नहीं, देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब ये भी पूछा जाएगा कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते, तो उसमें टिक आपको लगाना है, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बात है, कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर थ्री टाइप्स में नहीं लगाना है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। मिरर टू टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं प्लेन मिरर क्या है। प्लेन मिरर क्या है इसके बारे में हम एक नजर डालते हैं। तो प्लेन मिरर को बताने से पहले हम ये आपको फोटो दिखाएं। ये फोटो देखिए, ये भी फोटो देखिए, ठीक है। तो ये हम डेली लाइफ में अपने घर में यूज करते हैं, ये सब प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर को देखने से क्या लगता है, इसका नाम प्लेन क्यों पड़ा होगा, इस मिरर का नाम प्लेन क्यों पड़ा होगा। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। तो क्या बताएंगे कि ऐसे मिरर, ऐसे दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता, ऐसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता फुली एंड उसका अदर सरफेस यानी पीछे वाला सरफेस पॉलिश होता, पॉलिशिंग सिल्वर कोटिंग पॉलिश किया हुआ होता, जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन आसानी से होता, उसे हम प्लेन मिरर। डेली लाइफ में हम लोग अपने घर में यूज करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हम अपने डेली लाइफ घर में यूज करते हैं। ये जो मिरर है ये एक प्लेन मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरी तरह से प्लेन है। ऐसा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरी तरह से प्लेन है और ये प्लेन है, और इसका जो पीछे का सरफेस है, इसका पीछे, इसके पीछे वाले पार्ट्स को यानी इस मिरर के अगर पीछे पार्ट्स को हम देखते हैं तो उसमें पॉलिश किया हुआ है, ये जो सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है, स्टील टाइप में दिखाई दे रहा है, इसका पीछे वाले पार्ट्स को पॉलिश किया गया है, ठीक है। इसके पीछे वाला जो पार्ट है वो पॉलिश किया हुआ है, जिसके कारण इससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये एक प्लेन मिरर का एग्जाम्पल है। तो प्लेन मिरर हम अपने डेली लाइफ में प्रत्येक दिन देखते हैं। दूसरी बात है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है और इसका बेक सरफेस कोटिंग क्या हुआ होता है और पॉलिश क्या होता है, सिल्वर कोटिंग। तो क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका प्रावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस समतल होता है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका प्रावर्तक पृष्ठ समतल होता है और इनके पीछे भाग में, इसके पीछे का भाग सिल्वर यानी वो जो होता है व्हाइट पॉलिश क्या हुआ होता है। तो लिखेंगे क्या, प्लेन मिरर इज अ मिरर, प्लेन मिरर इज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस प्लेन एंड द बैक पार्ट इज पॉलिश्ड विथ सिल्वर कोटिंग।
क्या बताएं कि प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता, स्मूथ होता, और उसका बैक पार्ट जो होता है वो बैक पार्ट सिल्वर कोटिंग किया हुआ होता, और उस सिल्वर के ऊपर से और एक कोटिंग रेड व्हाइट ब्लैक कोई भी कोटिंग किया हुआ होता है जिससे वो जल्दी हटे। अगर हम पीछे के सिल्वर कोटिंग को हटा देते हैं चाकू वगैरह से किसी भी चीज से रगड़ के हटा देते हैं तो वो मेरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी उसमें अब मेरा इमेज नहीं बनेगा, वो धुंधला सा दिखाई देगा या फिर उसके आर पार दिखाई देगा अगर पूरा हटा देंगे तो ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये जो इस तरह का साइन देंगे ना इसका मतलब इसे कोटिंग किया हुआ, कहीं भी अगर बुक वगैरह में इस तरह का साइन है मतलब ये इस पार्ट में कोटिंग किया हुआ है और ये मेरा एक मिरर है। इस तरह का अगर मिरर है तो ये आगे वाला पार्ट कहलाता है रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आगे वाला पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये है बैक पार्ट यानी पॉलिश्ड पार्ट, ये पीछे का जो पार्ट है वो पॉलिश किया हुआ पार्ट है, ये मेरा एक प्लेन मिरर। दूसरी बात है कि ये जो प्लेन मिरर के बारे जाने कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है तो इसके कुछ कैरेक्टर है, इसके जो इमेज बनेंगे इमेज जो फॉर्म होगा उन इमेज फॉर्मेशन का कैरेक्टर है क्या गुण है, वो जो इमेज बनेंगे वो किस तरह के बनते, इस तरह के मिरर में जो इमेज बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पता चल गया तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहला जो है कि जो इमेज बनाएगा वो सेम, इमेज किसे कहते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट को पहले समझिए। इमेज क्या होता है कि मिरर में जो बनता है फोटो, जैसे हम आए और हमारा फोटो बन रहा है मोबाइल या कैमरा, तो वो जो कैमरा पे मेरा फोटो बन रहा है वो इमेज है, यानी कि मेरे पास अगर एक मिरर है तो इस मिरर में जो इमेज बनता, ये मिरर में जो फोटो बन रहा है दिखाई दे रहा है आपको ये फोटो, तो ये मेरा कहलाएगा इमेज, ये क्या कहलाएगा इमेज, और जो रियल चीज है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, रियल बोल रहे जो ओरिजिनल है उसे ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे यहां पर एक कैंडल रखा हुआ, ये जो कैंडल रखा हुआ है ये कैंडल ऑब्जेक्ट कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज पीछे बन रहा है इसका जो फोटो पीछे बनेगा उसे हम लोग कहेंगे, इसका जो फोटो पीछे बनेगा इसे हम लोग कहेंगे इमेज, ये है इमेज, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है और ये मेरा मिरर है। तो क्या देखें कि जो ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिनल चीज है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है और इसका जो फोटो बन गया मिरर पर मिरर के पीछे वो मेरा इमेज कहलाए। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसका इमेज सेम साइज का बनता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो सेम साइज का बनता है। तो पहला फॉर्म पॉइंट क्या होगा, इट्स फॉर्म सेम साइज ऑफ इमेज, तो ये सेम साइज का इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट जिस तरह का है ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनाता है, ऑब्जेक्ट जिस साइज का रहेगा उसी साइज का इमेज उसमें बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि यह सीधा बनाता,
जैसे अगर मेरे पास एक इमेज है, इट फॉर्म सेम साइज ऑफ इमेज, पहला पॉइंट। दूसरा है कि अगर मेरे पास इस तरह का मिरर, अगर यहां पर हम कोई चीज रखें जैसे हम एल लिखा, इसको अगर मिरर पर देखेंगे तो ये सीधा बना है। सीधा मतलब क्या है कि ये एल ऐसा नहीं कि ये नीचे वाला पार्ट इधर ऊपर आ गया, तो इसे कहते हैं इरेक्ट कर रहा है, यानी एकदम सीधा बना रहा है, और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा ना तो उसे इरेक्ट नहीं कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, इट फॉर्म्स इरेक्ट, इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। ये जो इमेज बनाता है वो सीधा बनाता है। दूसरा पॉइंट, किस तरह का इमेज बनाता है, सीधा बनाता है। और तीसरा पॉइंट है कि ये लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब वही जो आपको उल्टा लग रहा है ना, ये उल्टा नहीं। जैसे हम यहां पर लिखे, क्या लिखेंगे, फाइव लिखेंगे इस तरह, है ना, तो यहां पर ये उल्टा दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देता है कि नहीं। कभी हम लोग दाहिने हाथ से कंघी करें तो मैं दिखाई देगा बाएं हाथ से कंघी कर रहे हैं, तो उसी को लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। अगर मेरे इधर पिंपल्स है तो उसमें दिखाई देगा इधर पिंपल्स है मिरर पे, तो ये चीज जो होता है लेटरली इन्वर्टेड कहलाता है, लेटरली इन्वर्टेड कहला। जैसे ये फाइव लिखे इसका उल्टा दिखाई दे रहा है, एल लिखे इसका उल्टा दिखाई दे रहा है, अगर यहां पर हम आर लिखते इस तरह का तो मिरर में किस तरह का दिखाई देता, इस तरह का दिखाई, यानी लेफ्ट वाला पार्ट राइट तरफ बनता है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट तरफ फॉर्म होता है, उसे हम लोग लेटरल इन्वर्टेड करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि इट फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड, उसे लेटरली इन्वर्टेड करते हैं। ये तीन पॉइंट बताएं, पहले इट फॉर्म सेम साइज ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज बनाता है, इट्स फॉर्म इरेक्ट इमेज यानी सीधा बनाता है, ऐसा नहीं कि नीचे वाला पार्ट ऊपर हो गया ऊपर वाला नीचे, है ना, इसे इरेक्ट कहते हैं, ये सीधा है तो इधर भी सीधा ही बना है, ये इरेक्ट कहलाता है। चौथा है कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से उतना ही डिस्टेंस पर इमेज भी बनेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, इतना 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर एक इमेज रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इधर भी इसका 5 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर, यानी मिरर के आगे का ऑब्जेक्ट जितना दूर में रहेगा मिरर के अंदर भी उतना ही दूर में इमेज दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि यहाँ बहुत दूर है तो मिरर में सामने, वैसा फीलिंग होगा ऐसे तो मिरर के पीछे बनेगा, लेकिन वो दिखाई देगा कि बहुत दूर में है, जितना दूर इधर रहेगा उतना दूर उधर भी बनेगा। द इमेज इज फॉर्म इक्वल डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी इमेज जो फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट के इक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से जो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे है उस मिरर से इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा। ये चौथा पॉइंट था कि इमेज इज फॉर्म इक्वल डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे है उसी डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होगा। अगर मेरे पास मिरर है इससे 10 मीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो अंदर भी ऐसा फील होगा कि वो 10 मीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ये इरेक्ट करता है, साथ ही साथ और एक मेन पॉइंट है कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है। पांचवा पॉइंट है कि इट फॉर्म वर्चुअल इमेज, इस तरह का इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है जो इमेज मिरर के पीछे बनता है,
जो इमेज मिरर के पीछे बनता है उसे वर्चुअल कहते हैं। अभी हम बताएंगे उसको वर्चुअल कहते हैं, यानी हिंदी में आभासी कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। ये मिरर के पीछे बनता है, इसको हम किसी भी स्क्रीन पर नहीं ला सकते। तो ये होता है वर्चुअल, यानी पांच पॉइंट्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर का, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है 8th क्लास में 7th क्लास में 10th क्लास में, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका कैरेक्टर क्या है। तो इट फॉर्म्स सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, इट फॉर्म्स सेम साइज ऑफ इमेज, ये सेम साइज का इमेज बनाता है, ये ऑब्जेक्ट के बराबर के साइज का इमेज बनाता है। दूसरा है इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है? सीधा। इट फॉर्म्स लेटरली इन्वर्टेड, ये लेटरली पार्श्व परावर्तित है ना, पार्श्व परावर्तित यानी कि लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। द इमेज इज फॉर्म इक्वल डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अभी हम बताएं कि 5 सेंटीमीटर आगे है ऑब्जेक्ट, तो इधर भी 5 सेंटीमीटर पीछे ही दिखाई देगा। इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा इमेज। तो ये था प्लेन मिरर के बारे में पांच पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेयर आप देखिए, हम स्फेयर नहीं देखे हैं तो चलिए देख लीजिए इसे, ये एक स्फेयर है। इसको अगर हम दो भाग में बांट देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं, ठीक है, बीचों बीच से इसे काट देते हैं, तो देखिए क्या हो। ये देखिए, ये जो दो पार्ट्स है ना, इन दोनों पार्ट्स को हम दो नाम देंगे, दोनों पार्ट्स का दो नाम देंगे, एक का नाम देंगे कनकेव और एक का नाम देंगे कन्वेक्स। तो उसी तरह स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का? टू टाइप्स के, एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स। तो चलिए देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या। ए मिरर उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता, कर्व होता, मुड़ा हुआ होता, उसे हम लोग कहते हैं कर्व मिरर। और ये कर्व मिरर जो होता है, कर्व मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, कर्व मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है। तो स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण, वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, चाहे अंदर की हो या बाहर की हो, वो वक्रित होता है, उसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अभी हम स्फेयर आपको दिखाएं, तो क्या लिखेंगे? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज Reflecting surface is curve. जिसका reflecting surface curve होता है उसे हम लोग curve mirror कहते हैं। The mirror whose reflecting surface is curve is called curve mirror. Is called curve mirror. And it is a part of स्फेरिकल मिरर, और ये स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। कैसे होता? तो देखिए, स्फेरिकल मिरर यानी कि जो पूरी तरह से स्फेयर हो, यानी इस तरह से पूरा गोल हो, इस तरह से जब पूरा गोल होता है, अब इसके दो पार्ट्स हम अभी बताए थे कि इनके दो पार्ट्स होते हैं। ये एक स्फेयर है, ये क्या है? एक स्फेयर।
ये जब स्फीयर है तो हम क्या बताए, द मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है, इसको कर्व मिरर, और इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये एक स्फीयर है। अब इससे को हम काट के निकाल देंगे एक मिरर, चलिए मान लीजिए हम यहां से काट के और यहां से काट के, ठीक है, एक मिरर बना ली, ये बना, तो ये मेरा एक मिरर है, इसके एक सरफेस को हम पॉलिश कर दें, चलिए इसके बाहरी सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, तो ये एक मिरर बन गया, और इसके अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर देते, तो ये दो मिरर बन गया, तो इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसका ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये जो अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, इन्हीं दोनों का क्या नाम है, एक का नाम है कनकेव और दूसरा का नाम है कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो चलिए डेली लाइफ से आपको रूबरू करवा, मिरर समझ में आ गया, स्फेरिकल मिरर द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है उसे कर्व मिरर कहते हैं, और दीज आर टू टाइप्स ऑफ, अब हम बताएंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, ये दोनों क्या होता है, दोनों से एक बार हम आपको एक साथ रूबरू करवाते हैं, चलिए आपने चम्मच देखा है, चम्मच स्पून नहीं देखा तो देखिए, ये स्पून है, इस स्पून को देखिए, इस चम्मच के अंदर वाले पार्ट्स को देखिए और बाहर वाले पार्ट्स को देखिए, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये अंदर की ओर कर्व है, ये मेरा कहलाता है कनकेव मिरर, और इसके बाहर वाले यानी पीछे वाले पार्ट को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर, ये था मेरा एक एग्जांपल जो हमें घर में देखने को मिलता है, और भी है कनकेव मिरर, देखिए कनकेव मिरर का यूज कहां, ये देखिए, ठीक है, तो ये था कनकेव मिरर, अब चलिए हम एक एक करके पढ़ा, एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फर्स्ट देखते हैं कनकेव मिरर, सबसे पहला क्या देखेंगे, स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स में से एक पार्ट देखेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर क्या होगा, एक ऐसा मिरर, कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कनकेव मिरर का वो अंदर की ओर कर्व होता है, इनवर्ट डायरेक्शन में कर्व होता है, पहले समझिए, तो ये जो कनकेव मिरर होता है ये गोलीय दर्पण का एक पार्ट है, ये जो कनकेव मिरर होता है अंदर की ओर इस तरह से कर्व होता है और इसके बाहरी वाले पार्ट्स में पॉलिश किया हुआ होता है इस तरह से, तो ये देख रहे हैं अंदर की ओर कर्व किया हुआ है, जब लाइट इस पर फॉल्स करता है इस तरह से लाइट आके यहाँ इंसिडेंट करता है, तो ये लाइट इंसिडेंट जब करता है तो ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर जाता है इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक, तो ये कनकेव मिरर कहलाता है, और कनकेव मिरर में इमेज हमेशा
फ्रंट साइड में बनता, तो क्या लिखेंगे? द मिरर विच इज कर्व इनवर्ड डायरेक्शन, या फिर द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड डायरेक्शन, यानी ऐसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व है। ये हाथ देखिए, ये अंदर की ओर कर्व है, ये मेरा हो गया कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कनकेव कन्वेक्स। तो क्या बताएंगे कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर, इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर। और क्या होता है कनकेव मिरर में, जब भी रे ऑफ लाइट एंड जब पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पर आकर इंसिडेंट करता है तो ये लाइट को एक ही जगह पर कन्वर्ज कर देता है। ये प्लेन मिरर क्या कर रहा है, ये कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को एक जगह पर कन्वर्ज कर देता है, एक ही जगह पर मिला देता है। देखिए इस तरह से बहुत सारा लाइट आ रहा है ना, तो ये जितना भी लाइट आएगा ये सभी को एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट करवा, इस तरह एक ही पॉइंट पर आके मिलेंगे। तो इसीलिए द कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। तो क्या लिखेंगे, द मिरर होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड डायरेक्शन, इज कॉल्ड कनकेव मिरर। क्या बताएंगे, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड कन्वर्टिंग कनकेव मिरर, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है क्योंकि ये लाइट को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। अब इसमें जो इमेज फॉर्म होगा ना वो हमेशा फ्रंट साइड, कभी भी इमेज तभी फॉर्म होता है जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करने के बाद वो दोनों रे ऑफ लाइट एक जगह पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनके जितने भी लाइट हैं इसमें से मैक्सिमम केस ऐसा होगा कि ये बाहर की ओर, यानी यहां पर एक है मेरा, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है इधर से आके फिर रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया इधर से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये जिस पॉइंट पर कटेगा ना यहां पर इमेज बनेगा, क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब ये जो इमेज बन रहा है इसका कुछ कैरेक्टर, इसका जो इमेज बनेगा उसका कुछ कैरेक्टर होगा, क्या होगा, देखिए एक यहां पर मेरे पास इमेज ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, इसमें जो इमेज बनेगा वो रियल बनता और इन्वर्टेड बनता, इन्वर्टेड का मतलब होता उल्टा, यहां पर बन रहा है लेकिन हम यहां पर आपको दिखा दे रहे हैं इन्वर्टेड के लिए, यहां पर जो इमेज बन रहा है इस तरह से बन रहा है, यानी इसमें एरो का साइन अप डायरेक्शन में है, यहां पर डाउन डायरेक्शन में हो, इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड यानी उल्टा। और दूसरा है कि ये रियल इमेज बना रहा है, रियल का मतलब होता है जिसे हम स्क्रीन पर ला सकते, रियल और वर्चुअल में भी हम डिफरेंस लिखाएंगे, तो रियल का मतलब होता है जिसे हम स्क्रीन पर ला सकते हैं, यहां पर अगर हम एक स्क्रीन रख दें तो इस इमेज को हम स्क्रीन पर ला सकते हैं, तो रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट डायरेक्शन में बनता है, तो इसका कनकेव मिरर में अधिकतर केस में, कनकेव में अधिकतर केस में रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड बनता है ना, रियल और इन्वर्टेड बनता है।
चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, पहला पॉइंट क्या बताए कि इट फॉर्म रियल इमेज, दूसरा है कि कनकेव मिरर रियल के बाद किस तरह का इमेज बनाता, इन्वर्टेड, तो इट फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज, तीसरा पॉइंट क्या है, पहला तो बताएं कि ये रियल इमेज बनाता है, आगे साइड इन्वर्टेड बनाता है, उल्टा बनाता है, अधिकतर केस में ये बड़ा इमेज बनाता है, अधिकतर केस में रियल इमेज जो होता है बड़ा ही होता है, अधिकतर केस में ये लार्ज होगा, ये स्मॉलर नहीं होगा, तो वो नहीं लिखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पहला तो हो गया इट फॉर्म्स रियल इमेज, दूसरा हो गया इट फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज, इट्स इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इसके इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी स्क्रीन पर ला सकते हैं। ये था मेरा कंकेव मिरर, और इसका यूजेज देखेंगे, कंकेव मिरर उसके कैरेक्टरिस्टिक बताएं, अब इसके यूजेज देखेंगे, कंकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, हम अपने डेली लाइफ में कंकेव का यूज कहाँ करते हैं। तो लिखें यूजेज ऑफ कंकेव मिरर, तो सबसे पहले इसका यूज किया जाता है ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में इसका यूज किया जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये तो उल्टा इमेज बनाता है, उल्टा किस तरह बनाता है पता है, ये देखिए फिगर, इस इमेज को देखिए, इसमें उल्टा इमेज दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना, ये जो उल्टा इमेज बना है ये कंकेव का, लेकिन उल्टा कब बनेगा और सीधा कब बनेगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच होगा, पी और एफ के बीच में होगा तो ये इमेजिनरी बनाता है, यानी कि ये वर्चुअल बना है, तब जाके सीधा इमेज बनेगा, यानी हमको एफ से अंदर रहेगा, यानी मिरर के अगर हम बहुत करीब रहेंगे तो सीधा इमेज बनेगा, इसलिए इसका यूज ब्यूटी पार्लर में किया जाता है, ताकि ये बड़ा साइज का दिखे, इमेज जो बनाता है वो बड़ा साइज का बनाता है, अब बड़ा साइज का जब इमेज बनाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि जो कोई दाग वगैरह हो या फिर और भी कोई स्किन में प्रॉब्लम हो या फिर कोई किसी भी चीज़ को क्लीन करना हो तो वो साफ साफ दिखाई देगा, बड़ा इमेज रहेगा तो साफ साफ दिखाई देगा, इसलिए ब्यूटी पार्लर में इसका यूज किया जाता है, तो इन ब्यूटी पार्लर, या सैलून भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसका यूज किया जाता है कार के हेडलाइट में, टॉर्च के हेडलाइट में, या फिर और वैसे लाइट जिसमें हेडलाइट लगाना जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आगे की ओर निकले, है ना, तो हेडलाइट ऑफ कार्स या टॉर्च, यानी टॉर्च और कार में हम लोग यूज करते हैं, एग्जांपल के लिए इस तरह से यहां पर एक बल्ब लगा हो, तो ये जो यूज कर रहे हैं ना, ये मेरा, इससे लाइट जब निकलेगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर लाइट सही डायरेक्शन में सही जगह पर जाएगा, इसलिए कार की हेडलाइट में या फिर टॉर्च में इसका यूज किया जाता है। तो पहला यूज हो गया ब्यूटी पार्लर ये सैलून में, दूसरा यूज हो गया कार्स में, है ना, या टॉर्च में, ये दो चीज हो गई ताकि ब्राइट दिखे, ये दो इसका यूज था।
इसके बाद जो डिस एंटीना होता है उसका जो फॉर्म है वो भी कनकेव मिरर की तरह, डिस वाले एंटीना देखे होंगे वो कनकेव मिरर की तरह होता है, तो वो कनकेव मिरर नहीं है लेकिन कनकेव के शेप में। इसके बाद होता है सोलर कुकर, सोलर कुकर में क्या होता है कि लाइट को एक जगह हमको इंसिडेंट करवाने का रहता है, उसके लिए वहां पर कनकेव मिरर यूज किया जाता है। हम बताएं ये लाइट को कन्वर्ट कर देता है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं, जहां पर लाइट पड़ता है वहां पर टिफिन रखा जाता है, इसमें चावल वगैरह रखा जाता है, दाल रखा जाता है, जिससे खाना जल्दी से बने। तो ये तीन यूज था, एक था ब्यूटी पार्लर या सैलून में, हेडलाइट ऑफ कार्स या टॉर्च में, इन से सोलर कुकर में, इन जगह पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर, ये था कनकेव मिरर, अब इसी के अपोजिट हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? कन्वेक्स मिरर भी उसी यानी होलो सिलेंडर का ही एक पार्ट है। कन्वेक्स मिरर भी होलो सिलेंडर का ही एक पार्ट है, होलो सिलेंडर बोल रहे हैं, होलो स्फेयर का ही एक पार्ट है। कनकेव मिरर किसका पार्ट है? होलो स्फेयर का ही एक पार्ट है। चलिए देखते हैं कन्वेक्स मिरर क्या है। इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखने के बाद आपको लगता होगा कि ये तो वही है, ठीक है ना? आपको यही लगता होगा कि ये तो वही मिरर है, कनकेव मिरर, लेकिन हाँ उसी का एक पार्ट है। हम बताए थे आपको कि ये स्फेयर का एक पार्ट है, ये मेरे पास एक स्फेयर है जो होलो है, ठीक है। अब इससे हम कनकेव और कन्वेक्स दोनों बना सकते हैं। देखिए इसके अगर बाहर अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो इसके अंदर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, तो इसे कनकेव बोले थे हम। कनकेव बताए थे कि कनकेव अंदर की ओर कर्व होता है, लेकिन ये जो है इस तरह से, इसके इस सरफेस को हम लोग पॉलिश कर देंगे इस तरह से। इस सरफेस को जब हम पॉलिश कर देंगे तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरह का, आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व है, इस तरफ कर्व है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी स्पून देखिए, इस स्पून के नीचे वाले पार्ट्स को हम बताएं, है ना? और भी इमेज देखिए, ये इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखने के बाद आपको पता चलता है कहीं पर यूज आसपास में, आसपास के एरिया में। इस इमेज को देखिए, ये सभी इमेज है जो कन्वेक्स के हैं, ठीक है। तो उसी तरह कन्वेक्स मिरर जो होता है बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, जिसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ रहता है। अभी स्कूल के बस वगैरह में या फिर और भी कोई बस में या फिर साइड मिरर में कार्स वगैरह के, उसमें जो कन्वेक्स मिरर लगा हुआ रहता थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है। बड़े बड़े होटल में लगा रहते हैं ताकि ज्यादा एरिया कन्वर्ट करके दिखाई जाए, बहुत सारे दुकान में लगे रहते हैं, अभी हम फोटो दिखाएंगे, ठीक है। तो ये है कन्वेक्स मिरर, क्या लिखेंगे? कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व होता, बाहर की तरफ कर्व होता, आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व होता, ठीक है। तो लिखेंगे ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व, उसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। दूसरी बात है कि जब इसमें रे ऑफ लाइट इस तरह आके इंसिडेंट हुआ ना, इस तरह से आके इंसिडेंट कर रहा है, तो इसमें जो रे ऑफ लाइट आया और इंसिडेंट किया,
ये तो सीधा वाला निकल जाएगा सीधे परपेंडिकुलर, लेकिन ये जो लाइट है ये इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा, ये इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा, इधर से आ रहा है, ये डाइवर्ट हो जा रहा है, फैल जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसे डाइवर्जिंग मिरर क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये सारे रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, यानी फैला देता है, दूर हटा देता है, कन्वर्ज नहीं कर पाता, क्योंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में कर, इसलिए ये इस तरह से निकल जाता है, इस पर जब टकराता है तो ये बाहर निकल जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का हिंदी में डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये था मेरा उत्तल दर्पण। आगे ये जो इमेज फॉर्म करेगा ना, ये जब रे ऑफ लाइट आए इसका यहाँ से इमेजिनरी हम लोग बनाएंगे, इसका हम लोग इमेजिनरी बनाएंगे, है ना, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये जहां पर कटता है उस पॉइंट पर बनता है इमेज, उस पॉइंट पर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो लिखेंगे इट फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी इसके इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला फॉर्म है कि इट फॉर्म वर्चुअल इमेज, यानी कि इमेज को मिरर के पीछे बनाता है, मिरर के पीछे इमेज का बनना वर्चुअल कहलाता है। अब वर्चुअल के बाद दूसरा पॉइंट है कि ये इरेक्ट करता है, इरेक्ट मतलब ये एरो ऊपर डायरेक्शन में है तो यहाँ भी इमेज अप डायरेक्शन में ही बनेगा, यानी सीधा बनता है, ऐसा नहीं कि पैर नीचे हो गया सर ऊपर हो, कनकेव की तरह नहीं होता, इसमें सीधा बनता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट फॉर्म इरेक्ट इमेज, ये इरेक्ट करता। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा कि ये स्मॉल साइज का इमेज बनाता है, किस तरह का इमेज बनाता है, छोटा साइज का बनाता है, और वो कनकेव बड़ा साइज का बना रहा था लेकिन उसके पॉइंट को नहीं लिखे, लिखेंगे इट फॉर्म स्मॉल साइज ऑफ इमेज, स्मॉल साइज ऑफ इमेज। ये तीन करेक्टर थे इसके, इमेज फॉर्मेशन के तीन करेक्टर हैं। पहला करेक्टर क्या है, पहला करेक्टर ये है कि ये जो इमेज बना रहा है वो वर्चुअल यानी आभासी है, आभास इमेजनरी। दूसरा है कि ये जो इमेज बना रहा है वो इरेक्ट है, यानी कि सीधा इमेज बन रहा। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है वो छोटा साइज का, स्मॉल साइज का। और चौथा पॉइंट ये होगा कि इट्स कांट ऑफ्टन ऑन स्क्रीन, जिसे हम लोग स्क्रीन पर पर्दे पर नहीं ला सकते, स्क्रीन पर इसको फॉर्म नहीं करवा सकते। तो ये था कन्वेक्स मिरर के बारे में डेफिनेशन और उनकी विशेषताएं, इमेज फॉर्मेशन की विशेषताएं। अब इसी में अगला पॉइंट देखते हैं कि यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का यूज कहां कहां किया जाता। तो कन्वेक्स मिरर का यूज कहां किया जाता है नहीं पता है, चलिए कुछ फोटो दिखा दे, ये देखिए फोटो, इस फोटो को देखिएगा, जी हाँ, और देखना है, ये देखिए, ठीक है, ये फोटो देख लिए। अब हम लिखा दे कि लिख सकते हैं,
चलो कोई बात नहीं, लिखो यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज कहां किया जाता है? सबसे पहले कहां यूज देखें? हाँ, हेडलाइट, हेडलाइट ने साइड में, इट इज यूज्ड इन द साइड, यूज्ड एज, इट इज यूज एज द रियर व्यू ऑफ कार, या फिर हम लोग बोलते हैं साइड मिरर ऑफ कार, कार या व्हीकल्स बोल सकते हैं, किसी भी व्हीकल्स के साइड मिरर के रूप में हम इसका यूज करते हैं। जो भी बाइक हो, कोई भी कार हो, बस हो, उसमें जो साइड मिरर में लगा हुआ होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर क्यों लगाया जाता है? सबसे पहली बात है कि ये छोटा इमेज बनाता है। कन्वेक्स मिरर जो है स्मॉल साइज का इमेज बनाता है और लार्ज एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है? छोटा इमेज बनाने के कारण लार्ज एरिया को कवर कर लेता है। तो हमें पता लगाना, मेरे पास दो इमेज दिया हुआ है, दोनों से कैसे पता लगाएंगे ये कन्वेक्टिव है कि कन्वेक्स है? तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि कन्वेक्स एक छोटा बनाएगा इमेज और लार्ज एरिया को कवर कर लेगा, और कनकेव है बड़ा साइज का बनाएगा, कनकेव उल्टा बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं। तो इट इज यूज्ड एट द रियर व्यू ऑफ कार एंड साइड। दूसरा है कि इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट, इन स्ट्रीट लाइट, तो इसका यूज स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में कनकेव का आप बताए थे, तो यहाँ पर कन्वेक्स हम स्ट्रीट लाइट में नहीं बताते, हम बताए थे कि लाइट में कनकेव का यूज किया जाता है। लेकिन स्ट्रीट लाइट जो होता है वो क्या होता है, ये लाइट को फैला देता, ये जो कन्वेक्स मिरर लगा देंगे तो ये लाइट को फैला दे, लाइट को फैला देगा। हमें वहां थोड़ी मोती चुनना है स्ट्रीट पे या फिर सड़क में, वहां तो बस हल्का हल्का लाइट आना चाहिए, इसलिए इसको लगा दिया जाता है कन्वेक्स, ताकि लाइट ज्यादा एरिया तक फैल जाए, और ज्यादा एरिया तक फैलेगा तो कम से कम लाइट लगाना, ठीक। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रीट लाइट में इसका यूज करते हैं। तो ये था इसका यूज रियर व्यू ऑफ द कार या साइड मिरर, दूसरा है यूज इन स्ट्रीट लाइट। तो ये थे इसके यूजेस। अब और भी कुछ जरूरी बातें हैं जो बतानी है, चलिए हम वो सब बात बता देते हैं। वो दोनों मिरर के लिए है, क्योंकि उसको बताने के बाद ही हम इमेज फॉर्मेशन बताएं। हम देखें कि ये दोनों इमेज, ये दोनों मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, दोनों मिरर स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। अब ये जो मेरे पास स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर को अगर बीच से काट देंगे तो ये दो पार्ट्स मिल जाए। अब इन्हीं में से हमको पढ़ना है, यहां से हम काट दें और इधर भी यहां से काट दें। स्फेरिकल मिरर के बीचों बीच वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर, और इस सेंटर है ना, और ये जो मिरर निकला दो पार्ट्स में, दो अलग अलग पार्ट्स में निकलेगा, वो इस तरह का होगा, वो मिरर किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। अब ये जब इस तरह का होगा ना, तो ये जो मिरर है मेरे पास, एक को बाहर से पॉलिश कर देते हैं, तो ये कनकेव हो गया और एक को अंदर से पॉलिश कर देते हैं, तो ये कन्वेक्स हो गया। ये है कन्वेक्स और ये है कनकेव। तो क्या होता, ये कनकेव है अंदर की ओर, तो
तो ये सेंटर ऑफ कार्वेचर क्या होता है? ये सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर दोनों के लिए सी, ठीक है, अलग अलग सेंटर ऑफ कार्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। तो जब सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कार्वेचर, द मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कार्वेचर, यानी कि जो मिरर एक गोलीय दर्पण का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद त्रिज्या पोल आता है, दूसरा आता है पोल, पोल को हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये जो मिरर है इसके बीचों बीच वाले पॉइंट्स, ये मेरे पास है, इसके बीचों बीच में जो पॉइंट होगा इसे हम लोग पोल कहते हैं। इस मिरर के बीचों बीच में एक पॉइंट है, इसके भी बीचों बीच में एक पॉइंट होगा पी। तो पोल क्या होगा? द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ये मेरे पास एक मिरर है, इसके बीच वाले पॉइंट को पोल कहेंगे, इसके बीचों बीच वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ये देख लीजिए, ये पोल कहलाता है। दूसरी बात होता है रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर यानी कि आर। तो द लेंथ यानी द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कार्वेचर, ये पोल हो गया और ये सेंटर हो गया, यानी इस पोल से लेकर सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कार्वेचर कहते हैं। यानी इस मिरर के लिए यहां से यहां तक और इस मिरर के लिए यहां से यहां तक, ये सेंटर ऑफ कार्वेचर कहलाता है, ये रेडियस ऑफ कार्वेचर कहलाता है। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ऐसे इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये रेडियस ऑफ कार्वेचर हो गया। इसके बाद आता है फोकस। तो द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर, यानी पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीचों बीच के पॉइंट को फोकस कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कार्वेचर के हाफ पार्ट्स को फोकस करते हैं, फोकल लेंथ। ये फोकस क्या हो गया? द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर इज कॉल्ड फोकस, फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये जो मेरा मिरर है इसके बीचों बीच के पॉइंट को फोकस करते हैं। इस फोकस के बाद आता है फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ये फोकस है और ये पोल है, इनके बीच का डिस्टेंस को कहेंगे ये फोकल लेंथ। तो ये था कुछ जानकारी। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन हम बताएंगे, इन सबके बाद इमेज फॉर्मेशन बताएंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी था। ये अलग अलग मिरर के लिए है, यहां से यहां तक कनकेव के लिए, ये वाला चीज कनकेव मिरर के लिए, ये किसके लिए है? कनकेव मिरर के। वहीं अगर हम कन्वेक्स के लिए बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करें तो कन्वेक्स के लिए हम बनाए थे अभी, तो वो इस तरह बनेगा, यहां पर हो जाएगा पोल, यहां पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा फोकल लेंथ और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये था कुछ जानकारी। इसके बाद आइए और एक लास्ट टॉपिक बता देते हैं जो बहुत जरूरी है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे इमेज फॉर्मेशन, ये दूसरे वीडियो में हम बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल और वर्चुअल में क्या अंतर है। रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है? अभी इमेज फॉर्मेशन में बताएं कि इसमें रियल बनता है, इसमें इमेजिनरी बनता है यानी वर्चुअल बनता है।
तो रियल होता है कि जो मिरर के फ्रंट साइड में बनता है, मिरर के फ्रंट साइड में बनता है, वो कंकेव में बनता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, ये मिरर के आगे बनता है और ये मिरर के पीछे बनता है। जैसे हम लोग घर में कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ना, तो उसमें पीछे कन्वेक्स मिरर, सॉरी, घर में हम लोग जो प्लेन मिरर यूज करते हैं ना, उसमें पीछे मिरर इमेज बनता है, तो वो वर्चुअल है और रियल आगे साइड में बनेगा। तो इट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये मिरर के आगे बनता है और ये पीछे बनता है। तो लिखेंगे इट फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बनता है। दूसरी बात होता है, ये जो रियल होता है ये इन्वर्टेड होता है, इट इज इन्वर्टेड, ये उल्टा होता है, ये रियल इमेज जो होता है वो उल्टा होता है और ये क्या होता है, ये वर्चुअल होता है, इट इज वर्चुअल, क्या होता है, इरेक्ट होता है, यानी ये सीधा होता है। यानी कोई भी इमेज अगर ऐसे है तो इसका जो बन रहा है ऐसे बनेगा, लेकिन इसमें अगर कोई इस तरह का सीधा है तो इसका इमेज सीधा ही बनेगा इस तरह से, लेकिन इसमें उल्टा बन जाएगा, तो वही इन्वर्टेड कहलाता है और ये इरेक्ट कहलाता है। तीसरी पॉइंट में है, इट कैन ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन, इसे हम लोग स्क्रीन में ऑप्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन में ला सकते हैं, लेकिन ये जो होता है इसे हम स्क्रीन में नहीं ला सकते। तो लिखेंगे इट कांट बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन में नहीं आएगा, ये स्क्रीन में नहीं आएगा। चौथा पॉइंट क्या है, ये अधिकतर कनकेव मिरर में बनता है और कन्वेक्स लेंस में बनता है, ये मैक्सिमम कनकेव मिरर में बनता है। तो लिखेंगे इट फॉर्म्स इन कनकेव मिरर, और ये कहां बनता है, तो इट फॉर्म्स इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो ये कुछ बातें थी रियल और वर्चुअल, यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में। क्या बताएं कि ये रियल इमेज जो होता है मिरर के आगे बनता है, मेरे पास एक कनकेव मिरर है, तो इस कनकेव मिरर में आगे की तरफ, यानी यहां पर एक इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका लाइट ऐसे जा रहा है, तो ये जो बनेगा, ये जो फॉर्म होगा, ये आगे की तरफ यहां पर फॉर्म होगा। दूसरी बात है, ये उल्टा, एक इस इन्वर्टेड, यानी सीधा है तो ये इस तरह से बने, उल्टा बने। इट कैन ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, अगर यहां पर हम एक स्क्रीन रख देते हैं तो इस स्क्रीन में इस इमेज को लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि इट फॉर्म इन कन्केव मिरर, यानी ये कन्केव मिरर में बना। उसी तरह कन्वेक्स में, कन्वेक्स में इस तरह का, इसमें अगर कोई एक इमेज है यहां पर, तो इससे जो रे ऑफ लाइट आएगा ना, ये इस तरह से भागेगा, इस तरह आया और इस तरह से भाग, इस तरह से आया, तब इसका इमेज कहां बनेगा, ये दोनों लाइट तो मीट नहीं कर रहे, तब हम लोग इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर इमेज बनेगा। तो ये मिरर के पीछे बना, बिहाइंड द मिरर बना कि नहीं। दूसरी बात क्या था, इट इज इरेक्ट, यानी ये एकदम सीधा होता, इट कांट बी ऑप्टेन, ये पीछे बना है तो इसे हम लोग स्क्रीन पर नहीं ला सकते। दूसरा है कि इट फॉर्म्स इन कन्वेक्स मिरर, ये देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर है, ये अधिकतर कन्वेक्स मिरर पर ही बनता। तो ये था आज के लिए हमारा, बहुत ही ज्यादा हम लोग पढ़ लिए हैं एक वीडियो में। अब अगली वीडियो जो पेश होगी, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता, अलग अलग डिस्टेंस पर अगर हम इमेज को रखेंगे तो उसमें इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे अलग अलग डिस्टेंस पे, तो इमेज किस किस पोजिशन पे बनेगा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन एक आता ही आता, एक या दो इमेज फॉर्मेशन आ ही जाता है। तो आज के लिए करते हैं बस इतना है।